हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रांसफॉर्मिंग फीनिक्स। मैं हूं डॉक्टर नितिका एंड आज हम लोग बात करेंगे एक सुपर हाइड्रेटिंग हेयर एंड स्कैल्प मास्क को लेके। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी, वेरी हाइड्रेटिंग रेमेडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मेकिंग द हेयर मास्क, फॉलोड बाय हाउ टू अप्लाई इट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किन लोगों के लिए ये हेयर मास्क है और किन के लिए टोटली अवॉइडेबल है। इट इज़ अ वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी रिचली हाइड्रेटिंग हेयर मास्क। तो कुछ लोगों को तो सूट करेगा, कुछ लोगों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें एंड हमें वीडियो देख के लाइक और कमेंट के करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये हेयर मास्क यूज़ करके कैसा डिफरेंस लगा अपने हेयर टेक्स्चर में, अपने स्कैल्प के अंदर। सो बिफोर वी गो ऑन टू द प्रेपरेशन ऑफ द मास्क, आप लोग सबसे पहले जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन राइट अंडर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोज ऑफ यू हु आर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज, कीप फॉलोइंग आवर वीडियोज। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फीनिक्स। सो आज जो हम हेयर मास्क के बारे में बात करने वाले हैं उसका मेन इन्ग्रीडियंट जो है दैट इज़ ओकरा, ओकरा और लेडी फिंगर। ओकरा एज अ वेजिटेबल, इट इज़ वेरी रिच इन वाइटमिन ई, ए, के, सिलीनियम, पोटाशियम एंड जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है ओकरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर लेडन और हाइड्रेटिंग है। यू कैन फाइंड दिस आउट बाय लुकिंग एट द टेक्सचर। जब हम ओकरा को कट करते हैं, भिंडी को हम जब कट करते हैं, वी सी दैट स्लाइमी फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ इट। वो जो स्लाइमी फ्लूइड है दैट इज़ अ वेरी हाइड्रेटिंग, सुपर हाइड्रेटिंग फ्लूइड एंड इट इज़ वेरी गुड व्हेन वी मेक अ मास्क आउट ऑफ इट एंड वी अप्लाई दैट मास्क ऑन टू द हेयर। वो हमारे हेयर के स्ट्रैंड को हाईली हाइड्रेट करता है और हाइड्रेशन के वजह से जहाँ पे भी ब्रेकेजेस होते हैं या कोई भी फॉल्टी स्ट्रक्चर होता है या इची स्कैल्प होता है, ड्राई स्कैल्प होता है, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प होता है, उसको वो हाइड्रेट करके, नरिश करके, रिपेयर करता है स्ट्रक्चर को और रिप्लेनिश करता है आपके स्कैल्प के स्किन टोन को और आपके हेयर के स्ट्रक्चर को। द रिज़ल्ट इज़ कि आपको एक मोर हाइड्रेटेड स्कैल्प मिलता है जो इची नहीं होगा एंड आपको एक हेयर स्ट्रक्चर मिलता है विच इज़ मोर मॉइस्चर लेडन। मॉइस्चर लेडन होने के वजह से आपके हेयर को ये मास्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रेटनिंग इफेक्ट देता है जैसा कि आजकल के केराटिन थेरेपी में मिलता है। केराटिन थेरेपी इज ट्रीटिंग द हेयर बाय डिपॉजिटिंग केराटिन इन द ब्रेक केजेस और इन द ब्रोकन एंड्स दैट आर देयर इन योर हेयर। दिस मास्क इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन अ सिमिलर पैटर्न बट द मटीरियल दैट वी आर यूजिंग इज़ वेरी नेचुरल एंड सेफ टू यूज़ एंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर हेयर एंड योर स्कैल्प। सो बिकॉज ऑफ ऑल द इन्ग्रीडियंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ओकरा दैट इज़ गोइंग टू बी आर मेन इन्ग्रीडियंट। बिसाइड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ सम कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च is as such rich in minerals, it is very rich in starch and moreover cornstarch gives stability to our gel, it helps us in the formation of that gel consistency for this mask and we will use almond oil. Why we are using almond oil is because almond oil is very rich in vitamin E and vitamin E is the reason for healthy skin. Vitamin E ke bare mein hum jante hain, we have known that since long that it is called the beauty vitamin. As a beauty vitamin, vitamin E हमारे scalp के skin को nourish करता है, tone करता है and उसके अंदर जो भी repair हैं, कोई damages हैं, उनको repair करता है, hydrate करता है. So we are going to use almond oil because of it being rich in vitamin E. So let's start with the making process of this special lovely hair mask and I hope you all are going to try it. इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए ओकरा या भिंडी, इसे थिनली स्लाइस करके एक प्लेट में अलग से रख लीजिए। नाउ बॉइलिंग वाटर में इस भिंडी को डाल के अच्छे से बॉईल होने दें।
बॉईल होते होते वाटर थोड़ा थिकन हो जाएगा, थोड़ा स्लाइमी हो जाएगा, एज यू कैन सी इन द वीडियो। जब ये मिक्सचर अच्छे से बॉईल हो जाए और फ्लूइड जो है वो स्लाइमी हो जाए, तो इसको गैस ऑफ कर लें एंड ब्लेंड कर लें एक मिक्सर में। ब्लेंड करने के बाद साफ क्लॉथ में से इसको छान लें। सारा मटेरियल कलेक्ट करने के बाद इसमें डालें 1 स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 1.5 स्पून डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च को अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स कर लीजिए और क्लियर कंसिस्टेंसी अचीव कर लीजिए। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी अचीव होने के बाद इसको हीट करें, बॉईल होने दें, ताकि आपको एक जेल फॉर्म का फ्लूइड मिल जाए। इसको जब भी आपने हीट करना है हमेशा स्टर करते हुए हीट करें। अब आपका ओकरा जेल रेडी होने के बाद आप इसको एक ग्लास बॉटल में रख लीजिए एंड इसमें ऐड करिए 1 to 2 स्पून ऑफ आमंड ऑयल डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर लेंथ एंड मिक्स इट वेल। तो अब हमारा हेयर मास्क रेडी है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो हेयर मास्क है आपने क्लीन हेयर पे अप्लाई करना है, डर्टी हेयर पे अप्लाई नहीं करना है। सो आफ्टर यू हैव वॉश्ड एंड ड्राइड योर हेयर, आपने उसके बाद में इस मास्क को अपने हेयर में लगाना है। स्कैल्प से लेके पूरा टिप्स तक, हेयर के टिप्स तक आपने ये मास्क लगा के अपने हेयर को टाई करके एक शावर कैप पहन लीजिए एंड लेट इट रिमेन इन योर हेड फॉर अराउंड 2 आवर्स, 2 to 2.5 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू रिक्वायर द नरिशमेंट एंड मोर ओवर कि वेदर कंडीशंस कैसे हैं। समर में आप 2 आवर्स में कर सकते हैं, विंटर्स यू माइट हैव टू कीप इट फॉर 2.5 आवर्स सो दैट इट इज़ गेटिंग वेल एब्जॉर्ब बाय द स्किन। सो 2.5 आवर्स इस मास्क को रखने के बाद आप इसको प्योर वाटर से, सिंपल वाटर से वॉश ऑफ कर लें। डू नॉट यूज़ शैम्पू और कंडिशनर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द मास्क। ये जो ओकरा हेयर मास्क है आप इसको अप्लाई करें ट्वाइस इन अ वीक फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक आप इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करेंगे, सो इन 2 or 3 weeks यू विल सी चेंजेस इन योर हेयर टेक्सचर। फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड द चेंजेस, बट द स्ट्रेटनिंग ऑफ द हेयर जो केरेटिन थेरेपी जैसा इसका इफेक्ट है वो आपको 2nd से 3rd week के बीच में मिलने लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ ड्राई योर हेयर हैड बीन। सो दिस मास्क यू कैन ऑल्सो यूज़ टू ट्रीट डैंड्रफ। अगर आपको ड्राइनेस की वजह से इची स्कैल्प है, डैंड्रफ है आपके स्कैल्प में, यू कैन यूज़ दिस मास्क एंड इट विल टेक अवे द ड्राइनेस इन जस्ट अ जिफी। सो डू ट्राई दिस मास्क एंड यू हैव टू वॉश इट ऑफ विद प्लेन वाटर एंड देन डू नॉट अप्लाई एनी कंडीशनर और एनी अदर शैम्पू आफ्टर वॉशिंग ऑफ द मास्क। मास्क को वॉश करके आप एज़ यूजुअल हेयर को ड्राई कर लीजिए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव मास्क। नाउ द लास्ट पार्ट, हु शुड नॉट अप्लाई दिस मास्क। डू नॉट अप्लाई दिस मास्क इफ़ योर स्कैल्प इज ऑयली, इफ़ योर हेयर टर्न्स ऑयली वेरी फास्ट, तो ये मास्क आपके लिए नहीं है। ये मास्क इतना मॉइस्चर लेडन कर देगा हेयर को कि ऑलरेडी अगर आपका स्कैल्प ऑयली है इट इज़ गोइंग टू मेक योर हेयर क्लम्प टुगेदर। यू विल फील कि बाल स्मूदन होने की जगह चिपचिपा हो गए। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प और ऑयली हेयर डू नॉट अप्लाई दिस मास्क टू योर हेयर। अनदर थिंग इज़ इट इज़ अ नरिशिंग मास्क, इट इज़ नरिशिंग योर स्कैल्प एंड इट इज़ नरिशिंग योर हेयर स्ट्रैंड। So apply it on clean hair. Do not apply this mask on dirty or hair which has not been washed. ये mask directly अच्छे से absorb हो, इसके लिए आपके बालों का washed होना, washed and cleaned होना बहुत ज़रूरी है। So apply this mask on a clean head. So if you do not have an oily skin, then you can go ahead for application of this mask. Otherwise, it is going to clump your hair together and you will not be very happy with the results. So, इन लोगों को ये mask avoid करना है. The rest of you do try the mask and tell us in the comment section whether
व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स डिड यू गेट, एंड आप और क्या, कोई हेयर प्रॉब्लम है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं जिनके बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड डू सपोर्ट आवर चैनल. कीप सपोर्टिंग अस द वे यू हैव बीन. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे हेल्दी.